हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो 1 अक्टूबर 2020 से सेक्शन 2061H हमारे बिजनेस में अप्लीकेबल हो जाएगा और इसके अंदर आपको TCS काटना पड़ेगा। तो इस सेक्शन को मैंने आप इस एक्सेल के थ्रू बिल्कुल चेक कर पाएंगे कि अप्लीकेबिलिटी आपकी किस बायर पे और किस बायर पे नहीं है। और इस एक्सेल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो इस एक्सेल के थ्रू मैं आपको पूरा सेक्शन का लॉजिक भी पूरा एकदम डिटेल में क्लियर कर दूंगा। तो टोटल सबसे पहला जो इनपुट है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि टोटल सेल्स इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितनी है। अगर ये 10 करोड़ से या 10 करोड़ तक ही है तो ये सेक्शन हम पे अप्लाई नहीं होगा। सपोज करो आपका क्लाइंट का, मैं मानता हूँ, 3 करोड़ 40 लाख टर्नओवर है। ये हमने 3 करोड़ 40 लाख टर्नओवर डाल दिया तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि बायर है वो कौन है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी या पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर अदर बायर है तो ये सेक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन आती है, अगर बायर को आपको पेमेंट करते वक्त TDS काटना पड़ रहा है, सपोज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपका वो TDS काट रहा है तो ये सेक्शन आपका TCS काटने के लिए नहीं बोलेगा। तो सपोज हमारे केस में मान लो हमारे बायर को TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि अब किस अमाउंट पे काटे हम TCS किस अमाउंट पे काटे। तो सेक्शन कहता है कि 50 लाख से ऊपर जो भी पैसा रिसीव करेंगे हम, द वर्ड इज रिसीव्ड हियर, सो इनवॉइस बेसिस पे नहीं है। 50 लाख से ऊपर का अगर हमने रिसीव करा है पैसा तो 50 लाख के ऊपर जितना भी पैसा हमने रिसीव करा है उस पे हमें 0.1% TDS काटना होगा। लेकिन जो पैसा हमने रिसीव करा है उसमें से कुछ एक्सक्लूजन्स करने पड़ेंगे कि एक्सपोर्ट का ना वो पैसा ना हो, एक्सपोर्ट जो गुड्स करा उसके अगेंस्ट ना हो, या सेक्शन 2061(1)(1)F या 1G जो स्क्रैप सेल मोटर सेल उसके रिगार्डिंग वो पैसा ना हो, उस पैसे पे हमें TCS 1.1% काटना पड़ेगा। तो सपोजिटली हमारा टोटल रिसिप्ट एक क्लाइंट से 45 लाख है अदर में, और 34 लाख रुपये या 34 लाख रुपीज़ एक्सपोर्ट में, तो हमें ये TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब मान लो ये 55 लाख हो जाता है अपना एक ही क्लाइंट से, तो 500 रुपये कैसे आया। 500 रुपये 55 लाख में से 50 लाख लेस करके 0.1% हमें TCS कलेक्ट करना है उस पार्टी से और हमें सरकार को जमा कराना होगा। तो जो कंडीशन है पार्टी से कलेक्ट करने की वो रिसीव बेसिस पे है ना कि इनवॉइस बेसिस पे है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट सिंपल वे में क्लियर होगा। इससे आप हर सिनेरियो अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, इस इनपुट के थ्रू आप अपना TCS अप्लीकेबिलिटी चेक कर पाएंगे। इसमें आपको कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी आपको केस आता है कि इस केस में क्या होगा, वो आप कमेंट करें, मैं उसका आपको जितना जल्दी हो तुरंत ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली आपको वीडियो से कुछ TCS का आपको आइडिया लगाओ। सॉरी ये मैंने TDS लिखा है, इसको मैं TCS कर देता हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो का एक आइडिया लगाओ कि TCS कैसे काटना है। तो थैंक यू वेरी मच।